अरे वो आर्यन सुत्ता उठ लिया ना? प्रधान जी वो तो अभी नहा रहे हैं। अच्छा, अरे भाई कलवा गांव की के पोजीशन चल रही है, सुख शांति है कि ना? कुछ भी ठीक ना जी। सरपंच साहब, कुछ सरपंच साहब। अरे रामू। हाँ जी। क्या बात है, कैसे परेशान है, क्या हुआ? सरपंच साहब मैं तो बर्बाद हो गया सरपंच साहब। बर्बाद हो गया क्या मतलब? अरे जा एक गिलास पानी लेके आ। रामू एक काम कर, तू चारपाई पे बैठ जा। ना सरपंच साहब मैं यही ठीक हूँ। अरे खड़ा हो जा, आराम से बैठ जा, ले पानी पी। अब बता मुझे बात क्या है। सरपंच साहब वो प्रधान के लड़के ने ना मेरी सारी जमीन अपने नाम करवा ली जबरदस्ती। बताओ मैं कहां जाऊं, क्या करूं, अब मेरे पे घूर भी नहीं बचा। इस प्रधान के तो दिन प्रतिदिन आतंक बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि इतनी नीच और घटिया भी हरकत करेगा। और रामू तुझसे उसने जमीन मांगी और तुमने अपनी जमीन उसको चुपचाप दे दी। अरे मेरे को क्यों नहीं बताया तूने? सरपंच साहब मैं बहुत मजबूर था सरपंच साहब। उन्होंने मेरी बहन को। बस रामू बस, मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन अब उन हरामजादे कुत्तों को मैं देखूंगा। मैं ठीक है सरपंच साहब। ठीक है रामू, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। ठीक है प्रधान जी, राम राम। शेरा कलवा चलो मेरे साथ। क्या बात हो गई जी, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हो, कुछ बात हो गई क्या? क्या बताऊं संतोष, प्रधान और उसका लड़का पहले गांव वालों की जमीन हड़प रहे थे, लेकिन अब उनकी इज्जत में भी हाथ डाल रहे हैं, इज्जत पे भी। देखो जी आपको इस चीज का पता है, वो चार गांवों का प्रधान है और फिर वो दोनों बाप बेटे बड़े बदमाश हैं। मुझे अब उन दोनों की बदमाशी को खत्म करना है। सुनो जी आप इन लड़ाई झगड़े से दूर ही रहो। दूर रहूं पर कैसे संतोष, मैंने भी लगातार पूरे 25 साल तक चार गांव की प्रधानी की है और मैंने यही सोचकर प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ा कि गांव में किसी और को मौका मिलना चाहिए सेवा करने का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गांव के ऐसे प्रधान बन जाएंगे जो गांव वालों की नाकों में दम कर देंगे। अरे इसमें तम क्या कर सको हो, गांव वाला के यदि परेशानी है तो पुलिस थाने में जाएंगे, तम क्यों जा रहे हो? संतोष तुझे तो पता है ना मैंने 25 साल तक प्रधानी की, लेकिन मेरे चारों गांव में से किसी का भी मुकदमा पुलिस थाने नहीं गया। लेकिन संतोष मेरे जीते जी अब कोई पुलिस थाने में जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने जेल में नहीं जाने दिया जब तुम्हारी प्रधानी थी, अब उसकी प्रधानी है, अब जो वो करेगा वो करेगा। अरे आप क्या सोच रहे हो, वो आपकी बात मानेगा? अरे वो नहीं मानेगा, गांव का प्रधान है संतोष। वो क्या उसका बाप भी मानेगा, मैं मनवाऊंगा, लेकिन मैं गांव वालों को परेशान भी तो नहीं दे सकता। हरगिज उसका बाप भी मानेगा। अरे प्रधान भी तो गांव वाला ने चुना है उसको। किसको? उसको प्रधान बनाने में मेरा हाथ है, तभी गांव वालों ने उसका साथ दिया था, तभी वो प्रधान बना है। तुम भी आगे से किसी के सर पे हाथ नहीं रखोगे, तुम्हें पता चल गया ना कोई किसी का ना है। बस बहुत हो गया, अब जो मुझे करना है वो करना है। कलवा शेरा चलो। सुनो जी, हे भगवान कहीं लड़ाई झगड़ा ना कर ले। हाँ भाई, जिसकी जमीन कब जाने के लिए तुझे भेजा था, क्या हुआ उसकी जमीन का? पिताजी तुम क्या समझते हो कि तुम ही कमीने हो, मैं तुमसे भी बड़ा कमीना हूँ। तुमने तो 10 लोगों के नाम बताए थे जमीन कब जाने के लिए, मैंने 15 लोगों के। क्या जी? लेकिन पिताजी। लेकिन क्या? कमी एक ही हो गई। वो क्या? वो राम सिंह। राम सिंह जी? पिताजी क्या हुआ उसे? पिताजी
उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी लड़की? अरे क्या हुआ उसकी लड़की को? अरे यो ही बातें घुमाता रहेगा या सीधा सीधा बोलेगा भी? पिताजी उस दिन उसकी जमीन पर कब्जा करने गए थे, उसके साथ साथ उसकी बेटी का भी। क्या? जी पिताजी। अबे उल्लू के पट्टे, तुझे कितनी बार समझाया, कभी कभी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लिया कर। जा तू जा, मैं सब देख लूंगा। अब जा तू, चला जा, यहीं बैठा रहेगा। अरे रघुवीर, क्या सुन रहा मैं ये? अरे सरपंच साहब, क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें यहाँ आने की नौबत आ गई? नौबत? ऐसे पूछ रहा है जैसे तुझे नहीं पता। नौबत तो तूने खड़ी कर दी, ये गांव वालों के साथ क्या अत्याचार कर रहा है तू? क्या करूं सरपंच साहब, अब जो मुझे करना वो तो मुझे करना ही है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता कुछ भी करने से। रघुवीर, अपनी जुबान को लगाम दे, भूल गया तू? तेरे सर पे मैंने हाथ रखा था, गिड़गिड़ा रहा था तू मेरे ऊपर। प्रधान जी, मुझे एक मौका दे दो, मैंने सोचा कि गांव का अच्छा काम करेगा, लेकिन तू, अरे इतनी नीचता की हरकतें कर रहा है, गांव वालों की जमीन हड़प रहा है, उन बहन बेटियों के इज्जत पे हाथ डाल रहा है। सरपंच साहब, तुमने तो सिर्फ मेरे पीठ पे हाथ रखा था, ये जो मैं प्रधानी का इलेक्शन जीतता हूं ना, इसमें सारा पैसा मेरा लग रहा है, और मुझे अच्छी तरह पता है कि वो पैसा वसूल कैसे करना है। मुझे कोई नहीं रोक सकता मेरे पैसा वसूल करने से। तेरे को अच्छी तरह पता है कि कोई भी इलेक्शन सिर्फ पैसे से नहीं जीता जा सकता, गांव वालों की सपोर्ट भी चाहिए। गांव वालों ने सिर्फ मेरे कहने पर तुझे सपोर्ट किया था, इसीलिए तू सरपंच है। लेकिन ये सरपंच है ना, मुझे अच्छी तरह मसंदी आती है। यह तुम्हारी भूल है सरपंच, खाली पीठ पे हाथ रखने से इलेक्शन नहीं जीतता कोई, जेबों के नोट लगते हैं नोट। जब बारिश आती है ना, तो बारिश में तेरे जैसे मेंढक टर-टर करते हैं, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद वो छिपने की जगह ढूंढते हैं, तू भी उनमें से एक हरामी है। यह मेंढक अब मगरमच्छ बन चुका सरपंच, और मगरमच्छ के जबड़े से शिकार खींचने की हिम्मत किसी की नहीं है, ना तेरी और ना इस पूरे गांव वालों की। अबे चुप, तू शायद भूल गया, जब समुंदर में तूफान आता है ना, तो तेरे जैसे ही मगरमच्छ किनारों पे अपनी जिंदगी बचाने के लिए जगह ढूंढते हैं, लेकिन उस वक्त उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ठीक उसी तरह तेरी भी ये हालत होगी। तू क्या सोचता है, ये कुत्ते पाल के तू अपने आप को बादशाह समझता है? कुत्ते, गांव वाले नहीं बचा पाएंगे तुझे। उसकी छोड़ सरपंच, वो तो वक्त बताएगा। तूने 25 साल प्रधानी की है ना, लगा लियो अपने 25 साल के तजुर्बे को। अगर तू रघुवीर सिंह को रोक पाए तो रोक के दिखा दियो, देखे हिम्मत नहीं है जो मेरे को रोक दे। अरे कपड़ों में से मत निकल। बस पूजा, वरना यही की यही अभी कोई तारीख, कोई मुकदमा भी नहीं, फैसले मैंने खुद किए हैं अपनी जिंदगी के। सरपंच जी तो इससे पहले कि मैं अपने बंदों को बोलूं और वो तुझे धक्के दे के बाहर निकाले, निकल जा मेरे घर से। चिल्ला मत, मैं आया था अपनी मर्जी से और जाऊंगा अपनी मर्जी से, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन दोबारा आऊंगा ना तो तूफान बन के आऊंगा और खत्म करूंगा तेरे अस्तित्व को। सरपंच, मुझे तो लगता है जिस दिन से तेरी प्रधानी गई है ना, तेरा दिमाग का संतुलन खराब हो गया है। जा, आइयो तूफान बन के।
अरे ये रघुवीर अच्छे अच्छे तूफानों को रोकना जानता है क्या? रघुवीर आज तेरा वक्त है, कल मेरा आएगा, फिर देखूंगा मैं तुझे। चलो वक्त, अरे वक्त तो तेरा चला गया सरपंच, तुझे क्या लगता अब तेरा वक्त आएगा? जब तक रघुवीर सिंह जिंदा तेरा वक्त दोबारा कभी नहीं आएगा। ज्योति। हाँ जी पिताजी। बिटिया पानी लेके आना। लाई पिताजी। और लाडो तू ठीक है? आधे बैठ। अच्छा ये बता, तेरी पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? जी पिताजी। और वो ट्यूशन पे जाना शुरू कर दिया तूने? जी। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम आना चाहिए। जी पिताजी बिल्कुल आएगा। ठीक है। अब बिटिया तुझे पता है दिव्या का तो पढ़ाई में मन नहीं है, मैंने उसको बोला, बोली पापा मैं नहीं पढ़ना चाहती, तो कम से कम तू तो पढ़ लिख के बड़ी अफसर कर, ताकि पूरे गांव वाले आस पड़ोस वाले ये कहें कि सरपंच की बेटी ने नाम रोशन कर दिया सरपंच का। पिताजी आप फिक्र मत करो, मैं आपका नाम रोशन करूंगी और आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाऊंगी, मेरे से जितना मेहनत हो सकता है मैं उतना करूंगी, आप इस बात को बेफिक्र रहो पिताजी। पापा आप टेंशन मत लो, मैं जिंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपको झुकना पड़े, मैं आपका नाम हमेशा रोशन करूंगी। मुझे पता है बिटिया, और अपने आप से ज्यादा तुझ पर यकीन है, पढ़ाई में ध्यान रख, बाकी कोई भी दिक्कत मत मान, जा अपनी मम्मी को बोल, ठीक है, और जाके पढ़ लेना, और उसको दिव्या को भी कह देना दिन में थोड़ी बहुत देर पढ़ तो लेगी, नहीं तो कहीं शादी होगी तो ये कहेंगे अनपढ़ बहू आ गई। हाँ जी पिताजी। ठीक है बेटी। राम जी राम। हाँ जी बताओ क्या कह रहे थे? क्या बताऊं संतोष, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, गांव में तनाव का माहौल कम नहीं हो रहा, और ऊपर से रघुवीर इतना जिद्दी है कि वो किसी भी तरीके से मान नहीं रहा। संतोष तुम तो जानती हो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उस गंदे इंसान को समझाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। पिताजी तुम उस प्रधान के घर गए थे और तुम्हारी आपस में मुंह बहस भी हुई है। पिताजी मैं तो छोड़ने का नहीं, तुम टेंशन ना लियो। तुझे कैसे पता? पता है मुझे पिताजी, मुझे सब पता है क्या क्या हुआ तुम्हारे और उसके बीच में। सुन ये मेरी और उसकी लड़ाई है, हमारे बीच में आने की कोशिश की ना तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, चुपचाप अपना काम करता रहे, ठीक है, दोबारा इस बात का जिक्र तक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पिताजी आपके साथ कोई कुछ भी करके चला जाएगा और मैं हाथ बात रख के बैठा रहूंगा? नहीं पिताजी नहीं। चुप, क्या करेगा तू? उस प्रधान को गोली मार देगा और जेल चला जाएगा। अभी तेरा बाप इतना कमजोर नहीं है, हर फैसले खुद ले सकता हूँ और लिए हैं, चुपचाप रह तू। ठीक है पिताजी तुम कह रहे हो तो मैं इस बार शांत हो जाता हूँ, लेकिन आइंदा अगर उस प्रधान या उसके बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी करी ना तो उन दोनों को जिंदा गाड़ दूंगा। देख लिया संतोष, मैं तो ये कहता हूं कि डर भी रहा हूं कि इस लड़ाई में कहीं हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो जाए, तुम बेटे को समझाओ और इस लड़ाई से दूर रखो। देखो जी कोई भी बालक ये ना चाहे कि कोई उसके बाप के भरे बाजार में पगड़ी उछाले, बेटा कैसे बर्दाश्त कर लेगा आप ही बताओ ना। लेकिन संतोष ये भी नहीं है कि इस लड़ाई में मैं अपने बेटे का त्याग करवा दूं, ना अभी ये लड़ाई मेरी है, मैं खुद ही इस लड़ाई से निपटूंगा, तुम बेटे को समझाओ और इस लड़ाई से दूर रखो। समझाऊंगी जी कोशिश करूंगी। खाना लगवा दे मेरा। सुनो रे।
चारों गांव वालों के नाक में इतना दम कर दो, इतना दम कर दो कि वो मेरे सामने नाक रगड़ने को तैयार हो जाएं। इसके लिए चाहे बंदे दूसरे गांव से बुलवाने पड़े, ठीक है? तू क्यों आई है यहाँ? देखो इस लड़ाई झगड़े में कुछ ना रखा, इस लड़ाई झगड़े को यहीं खत्म कर दो। अरे तू जाके अपनी रसोई संभाल, ये मर्दों की बातें हैं, तेरी समझ में नहीं आएंगी। देखो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से है ना, तुम्हारा भाई और उसकी बहू इस घर को छोड़ कर चले गए। अरे किसी के जाने आने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरी प्रधानी जिंदाबाद है, कोई जाता है तो जाए, कोई आता है तो आए। और तू ये तो बता, अरे मेरी लाडली बेटी शीतल कहाँ है? वो तो मेरे से यूँ कह गई कि मम्मी मैं अगेड़ा जा रही हूँ पास के गाँव में। अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? भेज दे तूने वहाँ अकेली अखेड़ा, तुझे नहीं पता वहाँ तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो सरपंच बैठा हुआ है। तुम्हारा दुश्मन कहाँ ना है, तुम्हारे दुश्मन तो चारों गाँव में है। मैंने तो मना करी थी फिर भी चली गई, इसमें मैं क्या कर सकूँ? तू क्या कर सके? अरे तू क्या करेगी? अब जो करना वो मैं खुद ही कर लूंगा। जा मेरे लिए एक अंदर से एक कप चाय बना के ला। ठीक है तो जा रही हूँ। चुप बैठी रहेगी, तू भी बताएगी क्यों बुलाया है? तुम्हें नहीं पता मैंने यहाँ तुम्हें किस लिए बुलाया है? अरे मुझे पता होता तो मैं तेरे से क्यों पूछता? आर्यन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये हरगिज नहीं हो सकता। आर्यन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं हो सकता ये? अरे जब तू गांव में रहेगी ना तो तब पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्या पता चल जाएगा, और वैसे भी कोई बात गांव में रह के या गांव वालों से पता चली तो क्या चली, इससे तो अच्छा ना आर्यन तुम ही मुझे सब कुछ बता दो। क्या बताऊं मैं, बता क्या बताऊं? ये बताऊं कि तेरे और मेरे परिवार के बीच बहुत गहरी दुश्मनी है, क्या बताऊं? अरे अगर कल को मैं तुझसे प्यार कर भी लेता हूँ तो एक न एक दिन इस प्यार की बलि चढ़नी है, कोई फायदा नहीं है। देखो तुम ये दुश्मनी के तराजू में मेरे प्यार को मत तोलो, मुझे सिर्फ इतना पता है मैं तुम्हारी हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो। अरे तेरे समझ में क्यों ना आती है, तुझे मैं कैसे समझाऊं? तेरे मेरे चक्कर में ना ये चारों गांव बर्बाद हो जाएंगे। अरे तू जब यहाँ रहेगी ना तो तब पता चलेगा तेरे और मेरे परिवार के बीच में कितनी गहरी दुश्मनी है। आर्यन जब दुश्मनी रिश्तेदारी में बदलती है ना तो बड़े से बड़ी दुश्मनी खत्म हो जाती है। तुम एक बार मेरी बात मान के देखो आर्यन, सब ठीक हो जाएगा। यार जैसा तू चाहती है ना ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बस तुम एक बार हाँ कर दो फिर सब कुछ हो सकता है। अयू ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ? अयू आर्यन दुश्मन का बेटा, जाकर प्रधान जी को बतानी पड़ेगी। अरे कैसे हाँ करूँ, तू क्या चाहती है मैं इन दोनों परिवारों को बर्बाद हो जाने दूँ? नहीं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तेरे मेरे प्यार के बारे में मैं एक बारी को सोच भी लूँ लेकिन फिर इन चार गाँव का क्या होगा? बता तू क्या होगा इन गाँव का? सुन आज के बाद ना मुझसे मिलने की कोशिश मत करियो, ना मुझे कॉल करियो, मैं जा रहा हूँ। आर्यन मेरी बात तो सुनो। पिताजी नमस्ते। नमस्ते पिताजी, हमें कुछ आदमियों की भी जरूरत पड़ सकती है। तू चिंता मत कर, जितने आदमियों की जरूरत पड़े जब पड़े मुझे बता दियो, उतने आदमी तेरे घर भिजवा दूंगा। ठीक है पिताजी, जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बता दियो। और ये निकेत कहाँ गया? पिताजी वो मैंने अघेड़ा भेजा है दुश्मनों पर नजर रखने के लिए। अघेड़ा भेजा है?
अरे वहां तो तेरी बहन शीतल भी गई हुई है क्या? हाँ फोन मिला उसका फटाफट। पिताजी फोन नहीं लग रहा। अरे फिर मिला। प्रधान जी वो क्या हुआ, तू ऐसे हाँफता हुआ आ रहा है? प्रधान जी वो शीतल मैम। शीतल? अरे क्या हुआ शीतल को, कुछ बताएगा भी? प्रधान जी वो शीतल मैम साहब सरपंच के बेटे आर्यन के साथ। अनिकेत बस कर, अगर मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी बोला तो तेरी सांसें खींच लूंगा। बस 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 बस, मुझे निकेत पे तुझसे ज्यादा भरोसा है। निकेत झूठ नहीं बोल सकता, जरूर इस सारे खेल के पीछे मेरे दुश्मन सरपंच का हाथ है। कोई नया खेल खेल रहा है बेटा वो। शीतल, जी पिताजी, कहां से आ रही है वो? पिताजी मैं वो, अरे बोलते ही क्यों नहीं? पिताजी वो मैं अघेड़ा गांव गई थी। किससे पूछ के गई थी? तेरी हिम्मत कैसे हो गई अघेड़ा गांव जाने की? तुझे पता नहीं क्या, वहां तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो सरपंच, तू बिना पूछे चली गई वहां। बड़े पर निकल आए हैं तेरे, अगर तुझे वहां कुछ हो जाता तो। अगर तुझे लगता है ना कि तेरे जाने और आने के बारे में मुझे कोई खबर नहीं मिलेगी, तो इस गलत फहमी से दूर रहना। और जिस सरपंच के लड़के के साथ आज तू घूम रही थी ना, वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन का लड़का है। आज के बाद अगर तू इस घर से निकली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन पिताजी। और तू भी सुन ले, आज के बाद अगर ये लड़की इस घर से निकली तो इसके साथ साथ जो बुराई और अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा वो तू सपने में भी नहीं सोच सकती। ले जाए संतर। और तुम भी कान खोल के सुन लो, आदमी चाहे जितने भी मंगवाने पड़े, हम कल सुबह ही उस सरपंच के घर में थावा बोलेंगे। ठीक है पिताजी। सरपंच, ये जो घिनौने चाल तूने चली है ना, अब समझ आ रहा मुझे इसका अंजाम। तो मैं कल तुझे तेरे घर पर ही बताऊंगा। इंतजार कर, रघुवीर सिंह कल तुझे तुझसे तेरे घर पे मिलने आ रहा है। रघुवीर, तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दहलीज पे पांव रखने की? सरपंच, अभी तो ये पैर सिर्फ तेरी दहलीज पे पड़ा है, अगर तूने अपने लड़के को नहीं समझाया ना तो ये पैर एक दिन तेरे लड़के की छाती पे होगा। रघुवीर, अपनी आवाज को लगाम दे, मेरा घर है ना कि तेरा। और रही बात मेरे बेटे की, लड़ाई तेरी मेरी है, मेरे बेटे को बीच में लेके मत आ।
हाँ सरपंच सही कह रहा है, लड़ाई तो तेरी मेरी थी, मगर इस लड़ाई में तेरा लड़का बीच में घुस चुका है। चुप। मैंने अपने लड़के को साफ साफ कह रखा है, अख बेटा बीच में मत आना, और मेरा बेटा हमारी लड़ाई के बीच में नहीं है। पर वो आ चुका है, पहले तो उसने मेरे लोगों पे हाथ उठाया, उसके बाद तुझे पता उसने क्या हरकत की, उसे तो तू सोच भी नहीं सकता। अच्छा ऐसा क्या कर दिया उसने? क्या करा उसने? अरे तेरे लड़के ने मेरी लड़की को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा रखा है, हो सके तो उसे रोक दियो सरपंच, वरना ऐसा ना हो कि मैं तेरे घर का चिराग बुझा दूं और यह दुश्मनी पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलती रहे। बस इससे आगे एक भी शब्द बोला ना तो यहां से तेरी लाश जाएगी लाश। क्या क्या पूछ इससे? आर्यन जो ये कुछ बोल रहा है क्या ये सच बोल रहा है? आर्यन जो कुछ रघुवीर कह रहा है अगर ये सच हुआ ना तो इससे पहले तुझे खत्म कर दूंगा मैं। पिताजी ये सब झूठ है। सुन लिया तूने? ये झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश मत कर मेरे बेटे पर, क्योंकि मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। निकल यहां से। आर्यन तू अपने बाप के सामने पलटी मार सकता है, लेकिन सरपंच यह ध्यान रखियो, अगर तेरे लड़के ने इस दहलीज से पहर बाहर निकाल के मेरी लड़की से मिलने की कोशिश की, उस दिन ये बाहर तो निकलेगा लेकिन इसकी लाश इस घर के अंदर घुसेगी। ये रघुवीर सिंह का वादा है तुझसे। अरे बस बस बहुत देख। ए! ए! विचार कर। सुन इस तमाशे को बंद कर दे, वरना मैं अपनी शराफत छोड़ दूंगा ना तो अपने पैरों पर नहीं चलने लायक छोड़ूंगा तेरे को। निकल जा यहाँ से। आज तो जा रहा हूँ मैं। अरे जा। लेकिन ध्यान रखियो, जिस दिन ये लड़का मुझे बाहर से क्या, उस दिन तेरा घर में इसकी लाश आएगी। ध्यान रखियो सरपंच। अरे जा। दुनिया में आज तक कोई ऐसी आंखें नहीं बनी है जो मेरे बेटे की तरफ देखे, और जब तक इसका बाप जिंदा है ना तो दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरे जैसे कुत्ते बहुत आए हैं। पिताजी। अरे तू तो चुप ही रह, देख लिया मैंने तू कितना बड़ा प्रधानमंत्री है। सरपंच के घर में तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। अरे अगर मैं जवान होता ना तो बेटे सरपंच के घर का नजारा कुछ और ही होता। ठीक है पिताजी, मेरी गलती है, लेकिन मुझे एक मौका तोड़ दो अपनी गलती सुधारने का। कितने मौके दू तुझे? चल दिया तुझे एक मौका और, ले पाएगा हिसाब उससे मेरी बेइज्जती का जो तूने करवाई है मेरी वहां? ले लूंगा पिताजी, मैं बदला ले लूंगा, उस सरपंच और सरपंच के लौंडे को जान से मार दूंगा, ये वादा है तुम्हारे इस बेटे का। बस यही तो मैं चाहता हूं, मैं उन दोनों बाप बेटों की सांसें बंद देखना चाहता हूं। अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं समझूंगा कि तू रघुवीर सिंह का ही खून है, और अगर तू ऐसा ना कर पाया मेरे बच्चे तो ये चेहरा मुझे दिखाना नहीं, दिखाना नहीं। पिताजी मैं जब तक सरपंच और उसके बेटे को मार नहीं दूंगा तब तक मैं इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा। बाऊजी भैया आखिर आप लोगों की इतनी नफरत क्यों है उन लोगों से? उन्होंने बिगाड़ा ही क्या है आपका? बस उनका यही कसूर है ना कि वो चार गांव की भलाई में खड़े हैं और आप बुराई में। वाह तू दुश्मनों की भाषा कब से बोलने लगी? तुझे नहीं पता वो सरपंच मेरा कितना बड़ा दुश्मन है? अरे तुझे तो मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के चलना चाहिए बेटी। अरे तू रघुवीर सिंह का खून है, रघुवीर सिंह का, ये बातें तुझे शोभा नहीं देती। पिताजी मैं किस चीज में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहूं? बुराई में? पिताजी अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे होते ना तो मैं जरूर आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी रहती, लेकिन मैं बुराई में आपका साथ नहीं दूंगी। तू चुप रह। बेटा जब अपने ही दुश्मनों की भाषा बोलने लगे ना
तो हार पक्की है, पर तू घबराना नहीं, जा अपना वादा निभा और मुझे उस सरपंच और उस सरपंच के लड़के की दोनों की सांसें बंद चाहिए। पिताजी, पिताजी, मैं आपको हारने नहीं दूंगा। ये एक बेटे का वादा है, उन दोनों की सांस खींच के लाऊंगा। मुझे तुझसे यही उम्मीद है बच्चे, यही उम्मीद है। नहीं पिताजी। अरे इसे अंदर ले जा, कहीं ऐसा ना हो तो सरपंच के लड़के से पहले मैं इसकी सांसें बंद कर दूं। वैसे जी शीतल ठीक ही तो कह रही है। अच्छा, अब तू भी इसके साथ इसकी भाषा बोलने लगी। तू बताएगी मुझे क्या सही और क्या गलत है। इसको अंदर ले जा, कहीं ऐसा ना हो इसके साथ साथ तेरे भी पैर तोड़ दूं मैं। तो इनकी बातों पे ध्यान मत दे बेटे, जो वादा तूने मुझसे किया है ना उसे पूरा कर ही लौटना। जा, जाके उस सरपंच और सरपंच के लड़के की सांसें बंद कर दे। जा। ठीक है पिताजी, चलो रे। चुप, और तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ अंदर। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ करना होगा, क्या करूं? आर्यन को फोन करती हूँ। हेलो, देखो फोन मत काटना, तुम्हें मेरी कसम है आज के बाद चाहे तुम मुझसे मिलना या मत मिलना, बस एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे तुमसे मिलना है, बस एक बार। ठीक है, भाई मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूँ ये सब बेकार की बातें हैं। वो दुश्मन की बेटी है और तुम्हें तो पता ही है कि दोनों परिवारों में आपस में कितनी तगड़ी जंग है। अरे यार मुझे सारी पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, अब उसने मुझे कसम ही ऐसी दी है कि मुझे यहाँ आना पड़ा। कोई बात नहीं, आज उसकी मैं सुनी लेता हूँ कि वो क्या कहेगी। अरे भाई मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूँ वो दुश्मन की बेटी है, मुझ पर ऐसे कैसे यकीन कर लेंगे। वे भैया उससे बात कर लियो, हम तो यहाँ आगे हुआ ही क्यों ना अब तक। पता नहीं, कर ले बात। हाँ बता, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? जब मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो कोई जरूरी बात होगी, तभी तो बुलाया है। अरे ऐसी कौन सी बात है, जल्दी बता, जो तेरे पर रुका भी ना जा रहा। मेरे पिताजी और मेरे भैया तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को मारने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये बात तुम मुझे क्यों बता रही है? अरे तू तो हमारे दुश्मन की लड़की है। दुश्मन की लड़की हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ ना। अरे तू ही तो करे मेरे से प्यार, मैं ना करता हूँ। अरे वो बात मुझे कई बार बता चुका। देखो तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। पहले तो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती थी, अब तो मैं तुम्हारे प्यार की मूर्त को अपने दिल के अंदर बसा चुकी हूँ। अगर मेरी शादी होगी ना तो सिर्फ तुमसे होगी, वरना मैं कभी शादी नहीं करूंगी। यार तू क्यों नहीं समझती है, क्यों जिद पकड़ के बैठी है? मत इस दुश्मनी को आपको और बढ़ा, दो परिवार खत्म हो जाएंगे। क्यों नहीं मान रही तू मेरी बात को? कुछ खत्म नहीं होगा, तुम मेरी बात समझो, कुछ भी खत्म नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा एक बार। आर्यन, आर्यन तू इतना गिर गया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी दुश्मनी के बीच मेरी बहन को लाएगा। सिंगम, माँ बहन मेरे घर में भी है और मुझे पता है कि उनकी क्या इज्जत होती है। मैं इस दुश्मनी के बीच में तेरी बहन को नहीं लेकर आया, बल्कि तेरी बहन खुद आई है इस दुश्मनी के बीच में। वो करती है मुझसे प्यार, यकीन नहीं हो रहा तो ये खड़ी पूछ ले। अरे मैं अपनी बहन से क्या पूछूं, मैं तुम दोनों बाप बेटों को अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुझे ना हो रहा मेरे पे यकीन तो जो तेरे पे होता हो ना वो कर ले।
तो देख अब मैं तेरे क्या करता हूँ। क्या करेगा? तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। अब तो तूने अपनी आंखों से देख लिया कैसी धमकी देके गया तेरा भाई। अब भी तू चाहती है कि हम इस प्यार को आगे बढ़ाएं? अरे ये कभी नहीं हो सकता। तू क्यों नहीं समझ रही, ये दुश्मनी बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। देखो कोई कुछ भी करे मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, फिर तुम क्यों डर रहे हो? तू क्यों नहीं समझ रही है, अगर तू गाँव में उनकी लड़की ना होके चाहे किसी की भी लड़की होती तो मैं तेरे से 1% शादी कर भी लेता, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भी ना कर सकता। मुझे कुछ नहीं पता, अगर मेरी शादी तुमसे ना हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और मैं तुम्हारे साथ हूँ ना हमेशा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो, मैं जा रही हूँ। देख लिया भाई, अब क्या सोचा था ने? सोचा क्या यार, है तो दुश्मन की लड़की लेकिन मुझसे प्यार बहुत करती है, अब जो होगा देखा जाएगा। चलो आर्यन इधर आ। हाँ पिताजी। एक बात बता, वो उस दिन प्रधान के आगे बात चल रही थी, वो बात सच थी या झूठ थी? पिताजी मैंने आपको बताया तो झूठ थी, सच कहां से होगी, मैं आपके साथ झूठ बोलूंगा? आपको मेरे पर भरोसा नहीं है? फिर एक बार सोच ले, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है तू? पिताजी मैं सच ही बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा मैं आपसे? बेटा मैं तेरा बाप हूँ, बाप, और जो इंसान मेरे आगे झूठ बोलता है 1 सेकंड में पकड़ लेता हूँ। फिर कह रहा हूँ बेटा सच क्या है मुझे बता। पिताजी आप क्यों नहीं समझ रहे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हरामखोर, कैसी दिन के लिए मैंने पाल पोस कर तुझे बड़ा किया था कि जो इस समाज में जो मेरी इज्जत है वो मिट्टी में मिला देगा। देख इधर, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए अपना जीवन त्याग देते हैं, ऐसा ही मैंने किया। और तू वहां टूबल पे उस लड़की के साथ क्या कर रहा था? इधर देख, टूबल पे उस लड़की के साथ क्या कर रहा था? पिताजी प्यार करता हूँ मैं उस लड़की से। तूने झूठ क्यों बोला? मेरी औलादों के तूने झूठ क्यों बोला? जी करता है तुझे खत्म कर दूं, दूर हो जा मेरी नजरों से। पिताजी चाहे तुम मुझे जान से मार लो, लेकिन जिस टाइम पे मैंने आपको ये बात बताई थी ना तब तक मैं उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन अब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तू उससे प्यार करता है, क्या इस बाप को बताना जरूरी समझा तूने? तुझे ये भी पता है कि तेरे बाप के और उसके बीच में कितनी कड़ी दुश्मनी है, वो तेरे बाप को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और तू पर लगा तुझे ये बात कहने में कि मैं उससे प्यार करता हूँ? किससे प्यार कर रहा है? अपने बाप के दुश्मन की बेटी से? मुझे ऐसी औलाद की जरूरत नहीं है जो अपने बाप की इज्जत के चीथड़े चीथड़े उड़ाता है। मर चुका तू मेरे लिए, मर चुका, दूर हो जा मुझे वरना खत्म कर दूंगा तुझे। पिताजी इसमें उसकी क्या गलती है, वो बेचारी तो मेरे बिना मर जाएगी।
हाँ मर जाएगी। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उस लड़की की भी नहीं है, गलती मेरी है, गलती तुम्हारी माँ की है, गलती तुम्हारी उस बहन की है। हम सब गलत हैं, तू ठीक है, प्यार कर, खूब बदनाम कर अपने बाप को, खूब बदनाम कर अपनी बहन को, खूब बदनाम कर अपनी माँ को। एक बात सुन आर्यन, आज मैं सच कह रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब तू मेरे घर में पैदा हुआ था। चार गांव के लोग आए थे लड्डू खाने के लिए, लेकिन लेकिन आज आज मैं अपने आप को जिंदा नहीं समझ रहा। एक एहसान कर दे बेटा अपने बाप पर, ये घर छोड़ के चला जा, और मैं तेरी माँ और तेरी बहन मर चुके तेरे लिए, निकल जा यहां से, मैंने कहा निकल जा यहां से। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं आपकी कसम खाता हूँ आज का उस लड़की से नहीं मिलूंगा। एक बात बताऊं आर्यन, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी औलाद उनका नाम रोशन करे, और सुन दुनिया ने ये कसमें वादे सिर्फ और सिर्फ एक सलाद की तरह बना रखे हैं, जब चाह उसे काट देते हैं और जब चाह उसे काट कर फेंक देते हैं या खा लेते हैं। अगर तूने दोबारा उस लड़की से मिलने की कोशिश की तो अपने बाप का मरा मुंह देखेगा, सिर्फ और सिर्फ ये सोच ले कि इस धरती पे उस लड़की के बाप से बढ़कर कोई दुश्मन नहीं है मेरा, कोई दुश्मन नहीं है, और हमारी इस लड़ाई में बीच में आने की कोशिश मत करना, जा अपना काम कर। छूछड़े थे कि सुझा रखे तुमने, अरे कर आया उसकी सांसें बंद, मंगवाऊं पानी? अरे तू तो उसकी सांसें बंद करने जा था, मुझे तो लग रहा तेरी सांसें बंद होने वाली है। और बढ़िया भैया, तो ऐसे था जैसे आज तो पता नहीं कौन से झंडे गाड़ने जा रहा, और ये शक्लें देख इनकी, ये देख, वाह ये रघुवीर सिंह का खून है, रघुवीर सिंह का खून। अब कितनी बेइज्जतियां करवाओगे मेरी? वो सरपंच और उसका लड़का तुम्हारे बस की बात नहीं है। बस पिताजी बस। बस पिताजी बस। अरे उसको सिर्फ मैं रोक सकता हूं, मैं। और अब देखो कैसे रोकता मैं उसकी और उसके बेटे की सांसें। और ये ले गया तू इनको घुमा के बड़े प्रधानमंत्रियों के बच्चे ले जा रहा तू। मैं पानी नहीं पीऊंगा। क्या हुआ? बस पिताजी बस। पिताजी सांसें तो मैं भी बंद कर देता उसकी, जान से मार देता, लेकिन क्या करूं मैं, तुम्हारी उस लाडली शीतल ने हमारे जाने से पहले ही सारी सच्चाई बता दी थी उसको, लेकिन हम करते भी तो क्या करते, उसके चमचे भी उसके साथ थे, हम तो ये सोच रहे थे कि हमें अकेला मिलेगा। क्या करूं मैं शीतल का, अगर ये मेरी बेटी ना होती ना तो मैं आज इसे जान से मार देता, मगर क्या कर सकता हूं मैं, बस यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से भी कुछ नहीं होगा। कहां है शीतल? शीतल उसी आर्यन के पास है, आती होगी खुद बात कर लेना। शीतल अरे क्या चाहती है तू, क्यों हाथ धो के पीछे पड़ी है मेरी इज्जत के, तू क्या चाहती है, मैं मर जाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊं? नहीं पिताजी मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहती। अरे बेटे तू यही चाहती है, तू यही चाहती है, तुझे ये शानो शौकत ये कुछ नहीं पसंद, तुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे तो सिर्फ
तेरे बाप और तेरे भाई की जुत्ती तेरे पैरों तले चाहिए ताकि समा थूके हम सब पे। पिताजी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरे मना करने के बाद भी तू सारियम से मिलने क्यों गई? क्यों क्यों क्यों? अरे क्यों हाथ धो के पीछे पड़ी है मेरे और अपने भाई की जान के? पिताजी मैं उस आर्यन से प्यार करती हूँ। प्यार? अरे तेरे इस प्यार के चक्कर में हमारे दोनों बाप बेटों का जनाजा निकल जाएगा घर से। करती रही हो प्यार? पिताजी आप क्यों नहीं समझते मेरी बात? मैं सब समझता हूँ, मैं सब समझ चुका हूँ, मैं सब समझ चुका हूँ। तू सिर्फ ये चाहती है, तू और वो आर्यन, भाड़ में गया तेरा भाई, भाड़ में गई तेरे बाप की इज्जत, अरे भाड़ में गई मेरी शान और शौकत, ये बनाई हुई सारी सारी की सारी मेहनत पे पानी फेरना चाहती है तू? नहीं बेटी नहीं, एक बेटी अपने बाप के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहने में। अरे ऐसा क्या है उस आर्यन के प्यार में जो एक बाप के प्यार पे भारी पड़ गया? अरे क्या कमी करी मैंने तुझे पालने पोसने में? क्यों मेरी पगड़ी को दुनिया की जुत्ती के नीचे लाना चाहती है तू? अरे क्यों कर रही है ऐसा, क्यों? पिताजी मैं उस आर्यन से अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती पिताजी। और आप उसके पिताजी को और उसे मारना चाहते हो, ये सब मैं अपनी आंखों से कैसे देख सकती हूँ पिताजी? मैं नहीं देख सकती ये सब। प्यार प्यार प्यार, सही कहा किसी ने, इंसान को कोई नहीं झुका सकता, उसको अगर झुका सकता तो सिर्फ उसकी औलाद। अरे तुझे पता मेरी और उसकी दुश्मनी कितने दिनों से चलती आ रही है, और अब ये दुश्मनी उस मोड़ पे पहुंच चुकी है कि या तो वो लोग जिंदा रहेंगे या फिर मैं। अब फैसला तेरे हाथ में है, या तो तू उनको जिंदा देख या तो फिर मुझे। पिताजी पिताजी मैं तो ये चाहती हूँ ये दोनों परिवार की दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल जाए। पिताजी पिताजी आप ठीक कर लो ना सब कुछ। ठीक कर लो? ना बेटा ना, ठीक होना होता तो कब का हो चुका होता, लेकिन अब ये दुश्मनी उस मुकाम तक पहुंच चुकी है कि या तो अब वो जिंदा रहेगा या मैं। पिताजी आपको कोई कितना भी समझा ले पर आपकी समझ में नहीं आने वाला। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, मैं आर्यन से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। और अगर आपने उसके घर वालों को कुछ भी किया ना पिताजी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सिंघम अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है, अब फैसला लेने का टाइम आ गया। अब उस सरपंच का सामना होगा तेरे पाप रघुवीर सिंह से, तैयारी करो। चिंता मत करो पिताजी, अब की बार पूरे बंदोबस्त के साथ चलेंगे। जितने पैसे की जरूरत पड़े, जितने असले की जरूरत पड़े, इंतजाम कर बेटा इंतजाम कर। इस बार उस सरपंच को और उसके बेटे को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। ठीक है पिताजी, ऐसा ही होगा, चलो रे। इंतजार कर सरपंच, इंतजार कर, कल सुबह तेरी मौत तेरे घर पहुंच रही है, इंतजार कर। फोन काट दिया। हेलो हेलो, तुम मेरा फोन क्यों काट रहे हो? देख मैंने आज तो तेरा फोन उठा लिया, आज के बाद मैं तेरा फोन नहीं उठाने का, और मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुझे पहले भी समझा दिया, मैं तुझसे प्यार नहीं करता तो नहीं करता, बात होगी सारी खत्म। बस अब मेरी मजबूरी समझ ले या कुछ समझ ले, मैं तुझसे आज के बाद नहीं मिलूंगा ना तुझसे बात करूंगा, मैं कर रहा हूँ तुझे ब्लॉक, गुड बाय। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, सुनो तो मेरी बात। फोन काट दिया। अब इसे क्या हो गया यार, जैसे तैसे तो सब कुछ ठीक होने लगा था, ब्लॉक कर दिया मुझे। अरे अगर हमारे घर वालों में लड़ाई चल रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो इसे इतना प्यार करती हूँ।
तेरे तो जी बात कोई समझ में ना रही, अब तुम के करोगे, सर से पानी ऊपर जा रहा है। संतोष, लगता है मुझे अब कानून का सहारा लेना पड़ेगा। मां अपनी वजह से गांव वालों को मुसीबत में नहीं डाल सकता। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, गांव वाले हमारी वजह से क्यों मुसीबत में पड़ेंगे। ठीक कहा संतोष तुमने, चारों गांव के लोग आज भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और ये कहते हैं, भाई साहब आप परेशान मत होना, हम आपके साथ खड़े हैं, तो मैं टूटा नहीं हूँ, आज भी मैं मजबूत हूँ। ठीक कह रहे हो जी, आपके साथ हम ताकत से खड़े हैं, टेंशन ना लो। अरे उठा लो सरपंच की लड़की को। क्या कर रहे हो? क्या करते हैं पिताजी? अड़ दूंगा बेटा। रघुवीर, उन्हें आज सारी हदें पार कर दी। मैं सोच रहा था तेरे गंदे खून से अपने हाथ गंदे ना करूं, लेकिन आज आज यहां से तू जिंदा वापस नहीं जाएगा, तेरी लाश जाएगी लाश। अरे सरपंच, जिंदा कौन जाएगा कौन नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अरे मारो इसको सरपंच। पिताजी, ये मुझसे नहीं, मैं इससे प्यार करती हूँ, और ये बात मैंने आपको कितनी बार बताई है, फिर आपको यहाँ आके ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अरे तू चुप रह। अब पता चल गया तुझे सच्चाई क्या है, अपने कानों से सुन लिया ना। अब मैं चाहूँ तो तेरी इज्जत के छेतड़े छेतड़े कर सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे जैसा घटिया और कमीना नहीं हूँ, दूसरे की इज्जत अपने से इज्जत से बढ़ के रखता हूँ। चुपचाप यहाँ से चला जा वरना। अरे सरपंच, अरे ये तो नादान है, ये तो तेरे लड़के के झूठे प्यार की सिखाई हुई भाषा बोल रही है। इस मिट्टी से बना है तू, जब तेरी बेटी तेरे सामने ये बोल रही है, कल को इसने कोई गलत कदम उठा लिया फिर भी यही कहेगा तू हैं, ये नादान है। अरे सुन, अगर तुझे अपनी ताकत और गुरूर पे घमंड है ना, अजमा ले यहीं पे अभी, फैसला कर कौन जिंदा रहेगा। फिर आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, निकल जा, मैं इस बेटी को देख रहा हूँ, निकल जा। बस सरपंच, मैं तेरी इन मीठी मीठी बातों में आने वाला नहीं हूँ, समझ गया? मेरा नाम रघुवीर सिंह है और मैं तेरे इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, ये ध्यान रखियो। पिताजी, अगर आपकी ये जिद है ना, तो आप मेरी चीज सुन लो, मैं आर्यन से प्यार करती हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अगर आपने उसको कुछ भी किया ना पिताजी, तो आप सोच लेना फिर। पिताजी, ना तो एक आप अच्छे बाप बन पाए और ना ही अच्छे प्रधान बन पाए। अगर आपने मुझे और आर्यन को एक नहीं होने दिया, तो पिताजी मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे आप इनसे कुछ सीखो पिताजी, देखो अपने बेटे की खुशी के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहे पिताजी, और आप अपनी संतान के लिए इतना से त्याग नहीं कर सकते पिताजी। मैं आज अपनी जान दे दूंगी, मैं बता रही हूँ आपको पिताजी। ना बेटी ना, बिटिया ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि बेटी तो एक बाप का सर का ताज होती है, उसका गरूर होता है, और तू ही ऐसा कर बैठेगी तो ये समाज और ये तुम्हारा बाप क्या इज्जत रह जाएगी हैं? लोग यही कहेंगे कि बुजदिल बिटिया थी। ना बेटी ना, आज तू ऐसा कर रही थी, ऐसा जिंदगी में कभी सोचना भी नहीं। और सुन रघुवीर, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, अगर फिर भी तुझे अकल नहीं आई है तो निकाल ले अपनी भड़ास, जितनी गोलियां हैं उतार दे मेरे सीने में, उतार दे ले। और क्या गुनाह कर दिया इन बच्चों ने, एक दूसरे से तो प्यार ही तो किया है, ले आज इन दोनों बच्चों पे और मुझ पर चला दे गोलियां, खत्म कर दे हमें, फिर एकला बादशाह बनकर रहना यहाँ पर, ले ले। नहीं सरपंच नहीं, तेरी बातों ने मेरी आंखें खोल दी।
आज तेरे पातों ने मेरे पत्थर जैसे दिल को बॉम्ब की तरह पिघला दिया। मैं भूल गया था कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज इस दुनिया में होती है। आज इस बच्ची ने मेरी आंखें खोल दी। बेटा आर्यन, मैं तेरा भी बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मैंने जाने जाने में तुझे बहुत भला बुरा कहा, बहुत भला बुरा कहा मेरे बच्चे। सरपंच, मुझे माफ कर दियो भाई, मुझे माफ कर दियो। माफ करने वाला रघुवीर मैं नहीं हूं, ऊपर वाला है। और बात सुन, अगर तू अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता है ना, तो आज से हम चौधरी। कहने की जरूरत नहीं है सरपंच, कहने की जरूरत नहीं है। दोनों बच्चों, मेरी बेटी तेरे ही घर की बहू बनेगी सरपंच। ये वादा रघुवीर सिंह का, ये वादा रघुवीर सिंह का। आशीर्वाद दो दोनों बच्चों को। कुछ रहो बच्चों। और सुन, कुछ रहो, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो सच्चे रास्ते पे चलो, ईमानदारी के रास्ते पे चलो। भगवान आपको वहां पहुंचाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।